हमारी बातों का शायद तुम विश्वास ना करो, इसीलिए अच्छा हुआ कि तुम्हारे परिवार वालों की काली करतूतों का खुलासा करने वाला ये सबूत अनुप्रिया को मिला। देखो जरा अपने परिवार वालों के चेहरे को देखो, क्या तुम्हें ये मुजरिम नहीं नजर आ रहे? सार्थक ने जो किया वो ये सब जानते थे। सिर्फ जानते ही नहीं थे, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। ये तुम्हारी मां, भोली भाली दिखने वाली मां, और फिर इनके पीछे पीछे करने वाला, इनके इशारों पर नाचने वाला तुम्हारा ये भाई, और ये तुम्हारा सठियाया हुआ बाप। ये सब शामिल हैं। आओ साहब जबान संभाल के। पूर्ण विराम। हमें धमकी दे रहे हो? पुलिस वाले हो ना, सबूत पर विश्वास करते हो ना, तो देखो ना इनके चेहरे, डरे हुए सहमे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अरे यहाँ तो इतने तिनके हैं ना कि चोर की दाढ़ी झुक गई है। पूछो ना इनसे कि कौन है ये राधेश्याम। राधेश्याम, दोनों दोस्त साथ में रहते थे और वो दोनों ही ये नचनिए। काका, काका ये राधे वही राधे श्याम है ना जो शोलापुर से विनोद के साथ 26 जुलाई से गायब है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि इसकी जान को आपसे खतरा है? बोलो ना काका, कहाँ है राधे? क्या किया है आपने उसके साथ? बोलिए। जवाब दीजिए काका। देखिए घबराइए मत, आप अगर किसी मुसीबत में फंसे हुए ना तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन जवाब दीजिए ऐसा क्यों बोल रहा है ये? काका जवाब दीजिए ना, ये राधे इस टेप में ऐसा क्यों बोल रहा है कि उसकी जान को आपसे खतरा है? देखिए छुपाइए मत कुछ भी। अगर ये सच में मुजरिम है फिर भी आप इनकी मदद करेंगे क्या दादा? सहानुभूति की जरूरत नहीं है। जैसा बाकी मुजरिमों के साथ पेश आते हैं ना, अरे वैसे पूछिए ना इनसे। कहाँ है राधे? क्या किया इसके साथ? स्वरा अंदर चलो। छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा अंदर चलो। जब तक काका मेरे सवालों का जवाब नहीं देते थे मैं कहीं नहीं जाने वाली। सर आप यहां इस वक्त हो भी पूरी टीम के साथ, सब ठीक तो है? इन्हें हमने बुलाया है। अब तुम और तुम्हारे ये परिवार वाले सलाखों के पीछे जाएंगे।
मैं समझा नहीं है, कहना क्या चाहती हैं आप? मेरे घर वाले जेल क्यों जाएंगे? हाँ साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं मल्हार, और मैं भी कानून के हाथों मजबूर हूँ, और मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। क्या मतलब कमिश्नर साहब, मैंने किया क्या है? कल्याणी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है कि तुम और तुम्हारे परिवार वालों ने मिलकर कल्याणी और अनुप्रिया के साथ घरेलू हिंसा की है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है तुम्हारे खिलाफ। जानो क्या हो रहा है। अचानक से रत्ना क्यों दुखने लग गया? कल्याणी बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, एक छोटा सा काम करना, ये एक कागज है ना, इसके ऊपर दस्तखत जरूरी है, लाओ हाथ दो और ना यहाँ दस्तखत करो। माफ करना कल्याणी, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था। हम उस राणे परिवार को सबक सिखाना चाहते हैं। वो हमारी तो बेइज्जती करते ही रहते हैं, लेकिन अनुप्रिया की सार्थक के साथ जबरदस्ती शादी कराना, अथर्व को पागलखाने भेज देना, और मल्हार राणे ने तुम पर हाथ उठाया कल्याणी, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन जंगलियों के घर हम हमारे बेटियों की यह हालत नहीं देख सकते। कल्याणी हमें मालूम है हमारा ये तरीका तुम्हें कभी पसंद नहीं आता, इसीलिए हमने तुम्हारे पानी के ग्लास में दवाई डाल दी। अब तुम और अनुप्रिया कल सुबह ही उठोगे, और तब तक हम उस राणे परिवार को सबक सिखा चुके होंगे। क्या लगा तुम्हें मल्हार, कल्याणी को जानवरों की तरफ पीट कर तुम छूट जाओगे? आओ साहब, बिल्कुल सच कह रही है सर, मल्हार ने सच में कल्याणी को बहुत मारा, और इतना ही नहीं, मेरे भाई के साथ जबरदस्ती मार पीट करके उसे पागल खाने भेज दिया। अरे इनका तो पूरा परिवार ही मुजरिमों का है। कल्याणी ने बहुत सही किया, इनके खिलाफ रिपोर्ट करके बहुत सही किया। इन्होंने हमेशा कल्याणी और अनुप्रिया पर अत्याचार किए हैं, यहाँ तक कि अनुप्रिया को बिजली के झटके भी दिए हैं। अथर्व ने तो इनमें से किसी को झटके देते हुए भी देखा है। उसका कि उसने आकर हमें बताया और फिर हम अनुप्रिया को लेकर अस्पताल गए। कल्याणी अभी उसी के साथ है। वर्षा, ये लीजिए डॉक्टर की रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक शॉक? आओ साहब, अनुप्रिया जी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, वो कैसी हैं, कहाँ हैं? वो तो बाल बाल बच गई है, लेकिन सार्थक राणे अब तुम नहीं बचोगे, तुम जेल जरूर जाओगे। तुम सब लोगों को सलाखों के पीछे देखने का अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे कैसे हमें जेल भेज देंगे? हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हम जेल क्यों जाएंगे? दादा कुछ बोलो ना। एक मिनट, कल्याणी कहाँ है? वो तुमसे नहीं मिलेगी, वो इतनी डर गई है, उसे ऐसा लगता है कि तुम सामने आओगे तो उस पर हमला करोगे, इतनी डर गई है वो इससे।
मैं नहीं मानता। कल्याणी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, और ऐसा कुछ करना चाहती भी है तो वो पहले एक बार मुझसे बात जरूर करेगी। कुछ कहने और सुनने लायक कहाँ छोड़ा है तुमने उसको? बेचारी डर गई है वो तो उनसे ना मिलना चाहती है ना बात करना चाहती है। अब साहब आप मुझे ये तो बता दीजिए अनुप्रिया जी कौन से अस्पताल में है, मैं उनसे जाके मिल आता हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तुम अस्पताल में नहीं जेल में जाओगे। तुमने जबरदस्ती शादी की है अनुप्रिया के साथ, और हमेशा हमेशा तुम सब लोग उस पर अत्याचार ही करते आए हो। जीना मुश्किल कर दिया था इन लोगों ने। कल्याणी ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे आपकी किसी बात पे विश्वास नहीं है। मैं पहले कल्याणी से बात करूंगा। तुमसे कभी बात ही नहीं करेगी ना वो तुमसे मिलेगी। आज तक वो तुम्हारे माँ बाप की जातियों को सहती आई है, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट गया है जब तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया। मुझे आपकी किसी बात पे विश्वास नहीं है साहब। जब तक ये बात मैं कल्याणी के खुद मुंह से ना सुन लूं मैं नहीं मानूंगा। देख लिया मल्लर, बड़े हमेशा छोटों का भला सोचते हैं। अरे वो लड़की तो मुझे पहले दिन से एक आंख नहीं भाती थी, और आज ये नौबत आ गई है कि तुम्हारी पत्नी की वजह से हमें जेल के दर्शन करने पड़ेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप क्यों जेल जाएंगे, वो भी दादा के होते हुए? तुम ही बोलो ना, तुम ही बड़े साहब को बताओ कि मैंने तो हमेशा कल्याणी को अपनी बच्ची की तरह रखा है, तुमने तो देखा है ना, और वो भी मुझे अपनी सास नहीं अपनी आई मानती है। कहो ना इनसे। कमल साहब ये सब गलत है, ये सब झूठ है। कल्याणी मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती है। कमिश्नर साहब ये सब इस बुढ़िया की और उसकी पोती की मिली भगत है। इस महतारी ने और इस कल्याणी ने मिलकर हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है। वरना आप ही बताइए ये इतना सब कुछ हो रहा है कल्याणी कहाँ है, क्यों हमसे छुपकर बैठी है? क्योंकि वो हमारे सामने आना ही नहीं चाहती है। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ साहब, मैं तो अपनी बहू को पलकों पे बिठा के रखती हूँ, मैंने कभी उसके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। मल्हार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सच क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें और कल्याणी दोनों को अच्छे से जानता हूँ, और मेरे लिए अभी फैसला करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और तुम ये भी जानते हो मल्हार कि तुम्हारे शब्दों का मेरी नजर में बहुत मान है, सो तुम बताओ। देखिए ये सच है कि मुझसे गलती हुई है, मेरी बेड से कल्याणी को चोट लगी है, लेकिन वो हादसा था। मैंने जानबूझ के कभी कल्याणी पे हाथ नहीं उठाया, और ये बात कल्याणी भी जानती है। लेकिन कल्याणी को अगर ऐसा लगता है कि मैंने उस पे अत्याचार किया है तो मैं सजा का हकदार हूँ, और अगर कल्याणी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है तो ये उसका हक है, और मैं उसका हक उससे नहीं छीन सकता। लेकिन मेरे घर वाले बेकसूर हैं। मेरे घर वालों ने कभी कल्याणी पे हाथ नहीं उठाया, और ना ही इन्होंने कभी माही पर कोई अत्याचार किया है। और अथर्व की बात पे आप लोग कैसे भरोसा कर रहे हैं? जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और आप लोग भूल गए क्या, अथर्व ने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसने मेरी बंदूक भी चुराई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि अथर्व ने माइक को इलेक्ट्रिक शॉक दिया। लास्टली भाई तुला, अरे 5 साल के बच्चे जैसा दिमाग है अथर्व का, और तुम उस पर इल्जाम डाल रहे हो? मेरा भाई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, समझ ला? अच्छा अब समझ में आया मुझे, अथर ने तुम में से किसी को माई को शॉक लगाते हुए देख लिया था, इसलिए तुम लोगों ने मेरे भाई को पागल खाने भेज दिया हो ना? अरे चुप करिए अपनी बकवास, जो मन में आया बोले चली जा रही है।
ये सरासर झूठ है। हम में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे करंट लग गया था शायद। हाँ, लेकिन पता नहीं अचानक करंट कैसे लग गया और उसके बाद क्या हुआ, कुछ याद ही नहीं आ रहा। कल्याणी उठो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जुर्म किया है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मेरे घर वाले वो निर्दोष हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। सॉरी मल्हार, ये तुम भी जानते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक सारे परिवार को जेल में रहना पड़ता है। So, मेरे पास अरेस्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कल्याणी उठो। कल्याणी, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो इतनी गहरी नींद में कभी सोई नहीं हो, उठो ना। कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी, हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारी बहू के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की है। आई एम सॉरी, पर मेरे पास अरेस्ट वारंट है। संतोष, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकता है? आप जानते नहीं मैं कौन हूं? कलाकार हूं मैं, हजारों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है मुझे। मुझे हथकड़ियां पहनाकर आप मेरा ही नहीं, मेरे कला का भी अपमान कर रहे हैं। मल्हार, प्लीज समझाओ इन्हें। मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहता। मल्हार रुकिए, वहीं रुक जाइए। मल्हार, तुम तो कानून अच्छे से जानते हो ना? आप मेरे परिवार को गिरफ्तार करना चाहते हैं ना? ठीक है, मेरे घर वाले इस बात का पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, ले जाओ इन्हें। ये हमें क्यों अरेस्ट करेंगे? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम तो ऐसे भी हो ना, तुम्हारे परिवार वालों को ऐसे पुलिस कैसे ले जा सकती है? अरे तुम्हारी बंदी का क्या फायदा? अरे दादा कुछ करो ना यार, मैं तो सूर्य नूर आपका छोटा भाई हूँ। दादा मेरे ऊपर इल्जाम लगे तो मेरा पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फ्यूचर खराब होगा। दादा कुछ बोलो ना, हम चलने के लिए तैयार है। तब चलिए। अब इस लड़की से शादी करके पछताने का कोई फायदा नहीं है मल्हार। क्या ये दिन देखने के लिए हम तुमसे फिर से मिले थे? हम चलने के लिए तैयार हैं कमिश्नर साहब। करो। चलिए। करो। मल्हार। ये क्या हो रहा है? चलो। मल्हार। हमने ऐसा। लेकिन करो। हमने कुछ किया ही नहीं है। दादा कुछ करो ना दादा।